आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए ने सभी विमान कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो हवाई किरायों को लेकर मनमानी ना करें। साथ ही डीजीसीए ने कहा है कि वेबसाइट पर किराए की जानकारी दें। डीजीसीए ने सोमवार को यह निर्देश भी दिया कि कंपनियां रूट और तिथि के हिसाब से सभी किराए बुधवार शाम तक वेबसाइट पर पोस्ट कर दें। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एयर इंडिया, जेट एयरवेज और किंगफिशर के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद सभी घरेलू एयरलाइंस को यात्री किराए में पारदर्शिता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के बढ़ते दबाव के चलते घरेलू विमानन कंपनियों ने विभिन्न हवाई मार्गों पर अपने कुल किराए में पहले से ही काफी कमी कर ली है। पिछले सप्ताह कुल किराए में करीब 20 से 25% की कमी आई है। नागरिक विमानन मंत्रालय और डीजीसीए के दबाव के चलते घटे किराए के मुताबिक दिल्ली मुंबई मार्ग पर इकोनॉमी क्लास का किराया 5,000 से 20,000 रुपए के बीच है। दिल्ली चेन्नई और दिल्ली कोलकाता मार्गों पर 5,000 और 15,000 रुपए के बीच है, जबकि 2 सप्ताह पहले दिल्ली मुंबई मार्ग पर अंतिम समय में बुकिंग के वक्त न्यूनतम किराया करीब 17,000 रुपए था। किराए में ये बढ़ोतरी तब देखी गई जबकि पर्यटन का सीजन शुरू भी नहीं हुआ था। अगर पिछले साल के इसी अवधि पर नजर डालें तो दिल्ली मुंबई मार्ग पर न्यूनतम किराया करीब 3,000 रुपए, जबकि दिल्ली चेन्नई और दिल्ली कोलकाता मार्ग पर किराया 4,000 रुपए था। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये कदम पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे। वो स्पॉट फेयर की अधिकतम सीमा भी तय किए जाने की दलील देते हैं। अगर कोई भी एयरलाइन ऐसा करती है तो कर ही नहीं सके, मतलब एक अपर लिमिट कर दी जाए, बजाय इसके कि उनको अलाउ करे, फिर वो कहे जी हमें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ, हमने 5 लाख फाइन दे दिया तो कोई फर्क नहीं है। मतलब देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। बहरहाल डीजीसीए और मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद अब हवाई सफर करने वालों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन देखना ये है कि दोबारा यात्रियों की जेब पर डाका ना पड़े, इसके लिए कोई स्थायी समाधान निकलता है या नहीं। आरती शर्मा, P7 न्यूज़, दिल्ली।